नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ये हमारा हर दिन का सवाल। हाँ, आशा करती हूँ सभी लोग अपने अपने घर में अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हमने इससे पहले कक्षा में हमने क्या देखा था? हाँ, इससे पहले कक्षा में हमने मीरा बहन और बाघ इस पाठ के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो बच्चों, आज किसका समय है? हाँ, आज है इस पाठ के ऊपर जो भी प्रश्न उत्तर है वो आपको लिखकर लिखना है, लेना है, ठीक है? तो लिखकर लेने के लिए क्या चाहिए हमारे पास? हाँ, सबसे पहले हमारे पास चाहिए नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेंसिल, इरेजर, इन सब बातों की क्या है हमारे लिए आवश्यकता है, ठीक है बच्चों? तो चलते हैं। तो हम आगे जाने से पहले मैं पहले काउंटिंग करती हूँ ना, आपको तो पता है। तो मैंने पहले काउंटिंग करूंगी, जैसे पांच हो जाएंगे मैं सब समझूंगी आपके पास टेक्स्ट बुक नोटबुक आ गए, ठीक है? चलो चलते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और शून्य, ठीक है? तो देखो, इस प्रकार से हमारी इस पाठ के बारे में आपने जितनी जानकारी की मेरा बहन और बाघ के बारे में, हमने इस पाठ में एक बाघ पकड़ने के लिए लोगों ने क्या किया, लेकिन मेरा बहन ने गांधी जी के विचारों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बाघ को छोड़ दिया है ना, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहले लिखेंगे। तो बच्चों, आप मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहां, समानार्थी शब्द, लिखिए। ये आपको कहां पर लिखना है? हाँ, ये हमें CW में हमारे लिखना है, क्लास वर्क के नोटबुक में हमें क्या करना है, हमें इसको लिखना ही, समानार्थी शब्दों को लिख कर रखना है, ठीक है बच्चों? तो पहला है, लिखिए सुबह, पहला शब्द है सुबह। तो सुबह के लिए क्या आता है? हाँ, हमने पिछले साल भी देखा था कि सुबह के लिए कुछ शब्द आता है समानार्थी। हाँ, जैसे आप बोलते हैं ना सवेरा हो गया, तो सुबह के लिए क्या आ गया? सवेरा। उसके बाद दूसरा है शाम, शाम के लिए समानार्थी क्या शब्द है? हाँ, संध्या, संध्या या साय ऐसा कहा जाता है, यहां इसको भी एक प्रारंभ शब्द है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है, देखिए तीसरा कौन सा है? आदमी, आदमी के लिए क्या समानार्थी शब्द आएगा? हाँ, मनुष्य, क्या आएगा? मनुष्य या फिर नर। उसके बाद आएगा चौथा रात, क्या आएगा? रात। रात के लिए समानार्थी शब्द क्या है? हाँ, निशा, है ना, निशा यानी रात। या हम इसको रात्रि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? रात्रि भी से हम कहते हैं। तो बच्चों, सभी लोग लिख रहे हो ना अपने अपने नोटबुक में? हाँ, ठीक है। सुबह, सवेरा, शाम, संध्या, आदमी, मनुष्य, रात, निशा। उसके बाद देखिए, यहीं पर हम लिखेंगे, यहां हम इसको लाइन लगाएंगे और यहीं पर ही लिखेंगे विरुद्धार्थी शब्द। इस पाठ में बहुत सारे विरुद्धार्थी शब्द भी आए हैं। जब हमने पाठ पढ़ा तो हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे शब्द भी है
जो विलोम अर्थ यानी विरुद्धार्थी शब्द के तौर पर हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो पहला लिखिए जन्म। हाँ, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या होता है, उसकी मृत्यु भी होती है। क्या हो जाती है, मृत्यु। जन्म के साथ मृत्यु। दूसरा लिखिए सुबह। सुबह के क्या सा आती है, सुबह होने के बाद शाम भी होती है। उसके बाद तीसरा है अपना। कोई व्यक्ति अपना होता है तो कभी कभी वो पराया भी होता है। अपना, पराया। ठीक है बच्चों, तो यहां लिखती हूं मैं चौथा। आप अपने इसे पूरे पेज पर यहाँ एक और यहाँ एक ऐसे दो प्रकार से आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक यहाँ एक लिखने के बाद यहाँ विलोम शब्द भी आप ऐसे लिख सकते हो अपने अपने CW के नोटबुक में। तो अगला लिखेंगे अंत। चौथा है अंत। कुछ अंत होता है तो किसी किसी बात की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। अंत, शुरुआत, वाक नहीं, देखिए शुरुआत। उसके बाद पांचवा है बंद। बंद होता है तो कभी कभी क्या हो जाता है, खुला भी हो जाता है। उसके बाद छठा है गांव, और इसका विरुद्धार्थी विलोम शब्द शहर। समझ में आया बच्चों, ये है पूरे विलोम शब्द जो हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी इसमें लिखा है। तो मैं आपके लिए एक मिनट का समय देती हूँ, जब इसको लिख कर ले लो, हम कुछ प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक सेकंड का समय आपके पास, इसे क्लिक करके ले लो या जल्द से लिखो। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों ने इसे सही क्रम में लिख कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले रफ करती हूँ। अगला प्रश्न है एक वाक्य में जवाब लिखिए। एक वाक्य में जवाब लिखिए। देखिए पहला कौन सा है प्रश्न, एक वाक्य में जवाब लिखिए में से पहला है मीरा बहन का मीरा बहन का जन्म मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। आप लोगों को पता है इसका उत्तर, मेरा बहन का जन्म कहाँ होता, वो भारतीय वंश की थी लेकिन उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। हा? तो देखिए यहां मेरा बहन
का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब लिखते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है बच्चों, आप लोग लिख रहे होंगे मेरे साथ, आप इसको झट से लिखकर मेरे साथ अभी लेना शुरू करो। ठीक है, पहला प्रश्न है मेरा बहन का जन्म कहाँ होता? तो मेरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। देखिए मैंने यहाँ इकहरा अवतरण चिन्ह दिया है, आप लोग भी ऐसे इसको इधर, क्योंकि ये महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरा है मेरा बहन के आश्रम में अक्सर किसका डर बना रहता? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, हाँ हमारा जो पार्ट है ना उसमें उसका आंसर है, मेरा बहन के आश्रम में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। आप लोगों को भी पता है। तो देखिए मेरा बहन के आश्रम में अक्सर बाघ का डर बना रहता। ठीक है, उसके बाद है तीसरा प्रश्न, पहाड़ी गांव में मेरा बहन के आश्रम का नाम क्या था? मेरा बहन के आश्रम का नाम क्या था? हाँ बच्चों बोलो, मेरा बहन का जो आश्रम उन्होंने खोला था जानवरों के लिए, तो उस आश्रम का नाम क्या था? हाँ बिल्कुल सही। तो मेरा बहन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम था। क्या था? गोपाल आश्रम इनके आश्रम का नाम था। गांव के लोगों ने, नेक्स्ट प्रश्न है, गांव के लोगों ने अपनी चिंता किसे बताई?
देखो, गांव के लोगों ने अपनी चिंता किसे बताई थी? क्या चिंता थी उन्हें? हाँ, वहां के गांवों में बाघ घुसकर जानवरों को खा जाता था, जो उनके भेड़ बकरियां हैं उनको खा जाता था, तो गाय भी उनकी बाघ ने खा ली थी, उसको मार डाला था। इसलिए गांव के लोगों ने अपनी चिंता मीरा बहन को बताई थी। ठीक है बच्चों, आपके पास कुछ सेकंड का समय है, इसको आप झट से लिखो। ओके, आशा करती हूँ आप सभी लोगों ने एक क्वेश्चन आंसर सही से लिख कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार पढ़ती हूँ। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा बहन का जन्म इंदौर में हुआ था। मीरा बहन के आश्रम में अक्सर किसका डर रहता था? मीरा बहन के आश्रम में अक्सर बाघ का डर बना रहता। मीरा बहन के आश्रम का नाम क्या था? तो मीरा बहन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम था। गांव के लोगों ने अपनी चिंता किसे बताई? गांव के लोगों ने अपनी चिंता मीरा बहन को बताई। तो इस प्रकार हमने क्या किया, आज जो है आज हमने पूरा लिखा है, इसको मैं अभी रफ करूंगी और इसके बाद और एक प्रश्न है इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके बाद है पांचवा प्रश्न। मीरा बहन ने पिंजड़े का दरवाजा क्यों बंद किया? देखिए आपको तो पता है ना, मेरा बहन नहीं चाहती थी कि ऐसे जानवरों को पकड़ा जाए जिसकी खुद की आजादी है और उसका दिनचर्या उससे चलता है, तो जानवर जो है जंगल से खाने के लिए कभी कभी मनुष्य के बस्तियों पर आते हैं, तो क्या बदलाव होता है? परिवर्तन तो हो जाता है। तो यहां उन्होंने कहा है, देखिए मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाजा दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि वह बाघ को धोखे से फंसाना
नहीं चाहती थी। बच्चों इसको झट से लिख कर ले लीजिए। देखो मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाजा क्यों बंद कर दिया। मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि वह बाप को धोखे में फंसाना नहीं चाहती। तो बच्चों हमारे क्या हो गया, प्रश्न अभी हमारे खत्म हुए। ठीक है, कोई इसको भी आप झट से लिखो, मैं इसको रब करूंगी और एक लास्ट है उसको हम लिख कर लिखेंगे। ठीक है, चलो मैं रब करती हूँ। उसके बाद देखिए जानवर और उनकी बोलियां, जानवर और उनकी बोलियां। पहला है भैंस, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है हाथी, चौथा है बकरी, पांचवा है शेर, छठा है गधा, सातवां है गाय, आठवां है कुत्ता। तो देखो जानवर और उनकी क्या है, बोलियां है। तो हमें उनके सामने उनकी बोलियां, जैसे मनुष्य भी बोलता है अलग अलग भाषाओं में मनुष्य बोलता है, लेकिन ये प्रक्रिया बोलने की कहलाते हैं। लेकिन जब जानवर बोलते हैं तो उनके लिए एक अलग प्रकार की प्रक्रिया यहाँ दी गई है। वो तो अगर भैंस कैसे बोल जब बोलती है तो क्या उसको बोलते हैं, रंभाना। उसका जो बोलना है उसको बोलते हैं रंभाना। उसके बाद घोड़ा क्या करता है, हिन हिनाना, जो जोर से आवाज करता है ना, तो हिनना ऐसे कहते हैं। उसके बाद हाथी क्या है, चिंघाड़ना। हाथी क्या करता है, जोर से चित्कार करता है, उसे कहते हैं चिंघाड़ना। बकरी क्या करती है, बै बै करती है, उसको हम कहते हैं मिमियाना। उसके बाद शेर, शेर जो करता है उसको क्या कहते हैं, दहाड़ना। उसके बाद गधा क्या करता है, जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, रेकना। और उसके बाद गाय क्या करती है, रंभाती है, मतलब आया करती है ना, उसको बोलते हैं रंभाना। और कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, तो उसको कहते हैं भौंकना। देखो बच्चों भैंस जानवर उनकी बोलियां कैसे बोलते हैं, भैंस रंभाती है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ना है,
बकरी मिमियाना है, शेर दहाड़ना, गधा रेखना, गाय रंभाना और कुत्ता भौंकना। तो इसको आप एक मिनट के अंदर झट से लिखिए और हम क्या करते हैं दूसरे विषय पर चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने इस प्रश्न उत्तरों को सही तरीके से लिख कर लिया होगा। जैसे हमारी कक्षा शुरू होगी हम उसको जरूर चेक करेंगे और आपको दे देंगे, इसलिए आपको लिखने की भी बहुत आवश्यकता है। तो आशा करती हूँ आपकी कक्षा में जो भी मैंने लिख कर दिया आपने अच्छे से लिखा होगा। जल्दी मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।